खलीफा साहब आए हुए ने। खलीफा साहब ये दसो कि काफ़ी पुराना लंबा समा तुम संघर्ष का हंडाया तो अज की सिचुएशन नू किस तरह तुम देखते हो? हाँ, मेरी पूरी तरह की वर्सन सुन लियो। थोड़ा जिहा शर्मा साहब, तुम भी पुराने साढ़े प्रेस रिपोर्टर हो, भी सानू 45 साल तकरीबन कांग्रेस बीत गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बड़ा लंबा समा संघर्ष किया, उन्होंने 84 ब्लू स्टार कारण उन्होंने अस्तीफा दे दिता सी। तृप्त इंद्र बाजवा जां होर साडे साथी रंधावा साहब जां जिहड़े वी साडे मंत्री साहिबान ने, उन्होंने तां कदे सरपंची तों वी अस्तीफा नहीं दिता। मैं वो शख्स हाँ जिन्हें दिल्ली की हर जगह पर हर लीडर के नाल कहा भी हाँ, हर गल कह भी सकता हाँ। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी ये अपील की थी कि पंजाब नू हुण एंड वाले टाइम के ना छेड़ो, ये बहुत लॉस जाऊगा। पर कांग्रेस पार्टी के गल आती है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी को प्रधान बनाना, कोई माड़ी गल नहीं, चलो हो गई बन गए, पर हुण एज कांग्रेस मैन बन के चलाउण, एक डिक्टेटर बन के ना चलाउण। मैं हाल तक नवजोत सिद्धू जी को प्रधान बनने तो बाद नहीं मिलया है, कोई साडा समा नहीं बन सकया। और मैं ये गल क्लीयर कहनी चाहना मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वल्लों, पूरे पंजाब के 1947 तो 52 तो बाद इलैक्शन तो 67 तो बाद साडा पंजाब ते हरियाणा अलग होया सी। अज तक कोई माई दा लाल कांग्रेसी मुख्यमंत्री दो बारी नहीं बनया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं मौका मिलिया जां प्रकाश सिंह बादल जी 5 बार मुख्यमंत्री बने। जे उस शख्स नूं ये लोग चैलेंज करते हैं तो मैं तो कहना भी फिर मैनू तो मारी जाना चाहिए, गोलियां खा के कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के मूहरे बैठ के मरना चाहिए मैनू, क्योंकि सानू तो कुछ पावर ही नहीं मिली। असी तो वो लोग वो काम किए 1998 के जोड़े बड़े बड़े लीडर नहीं कर सके, बड़े बड़े पुलिस अफसर जोड़े साढ़े मगर फिरते सू चकते फिरते, असी तो उन्होंने लोहा लिया। नवजोत सिंह सिद्धू जी प्रधान तो उन्होंने साथियों मेरी अपील आ, ये कांग्रेस पार्टी के असी फाउंडर लोग हाँ, असी कांग्रेस बनाई आ, कांग्रेस दफ्तर जोड़े च बैठते हो ना तुम, उन्हें पत्थर फर्श असी लाते रहे, नालियां साफ असी लोग करते रहे हैं, तुम नहीं। अज जो भी असी जाने सानू जो कौड़ी अख नाल कोई देखूगा असी जवाब देना भी जानते हैं, पर पार्टी के पैरोकार होने के नाते पार्टी के डिसिपलन रहने के नाते मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी तो मंग करना, राहुल गांधी जी को कहना और प्रियंका गांधी जी को भी कहना, क्योंकि बाई नेम मैनू सारे जानते हैं, भी जेकर पंजाब इस तरह करनगे मंत्री साहबान ज प्रधान जी अपनी मर्जी नाल जिहड़े श्रीमती इंदिरा गांधी के उपर उन्होंने सलाहकार बोलणगे माली जी वर्गे, तो फिर साडी कांग्रेस का पंजाब चल चलना औखा हो जाना। सो लग रहा कि जिहड़ा असर हैगा असर 2022 दीआं चोणां दे विच पैणा लाजमी है, जिस तरह की एक दूए के खिलाफ पूरी तरह तलवारां खिंच लईआं गईआं। देखो ये तुहाडी वर्सन आ, तुहाडी सोच आ, पर मैनू जो पता आ जदों इलैक्शन तो पहला हर इलैक्शन तो पहला लड़ाई होंदी आ, झगड़े होंदे ने, टिक जांदे ने। तुसीं देखो ना, मैं स्पष्टवादी प्रताप सिंह बाजवा जी नाल भी रौला पिया, साडा दूलों नाल पिया, उस तो पहला ले कई एम पी प्रधानां नाल पिया, पर जिहड़ा ये वक्खरे तरह का, क्योंकि वह कांग्रेस के कैडर सन, कांग्रेस पार्टी की जड़ नूं जाणदे सन वो लोग, ये जाण नहीं रहे, मेरे हिसाब नाल नहीं जाण रहे। मैं तो सीधे तौर पर कहना बेशक मैनू कढ़ना कढ़ दे कांग्रेस, मैं नहीं परवाह करता नवजोत सिद्धू सिद्धू नूं, कांग्रेस के कल्चर का नहीं तुहाडा मतलब भी पता? बिल्कुल, इन्हां नूं कल्चर नहीं पता, इन्हां नूं वो लोगों नूं नाल लाना चाहिए जिहड़े लोगों नूं कांग्रेस बारे पता होवे, कांग्रेस की गल कर सकते हो। असी काउंटर करना सामने वाले नूं, असी अकाली दल ये थोड़े बादल नूं फड़ के अंदर दे दो तो मसला हल हो गया पंजाब का, कोई मसला नहीं हल होना। पिछली सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं मैं रिक्वेस्ट की थी परतिंदर चाहल के नाल खड़े होकर भी सर आप सुरिंदर कौर बादल नूं ना फड़िए, बाकी सारे फड़ लो, पर कहिंदे नहीं सारे फड़ने, असी फुके हुए हाँ अग नाल छड़े हुए हाँ उस नाल, सोच के हर गल का एक मुख्यमंत्री फड़ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। बॉम्बे देख लो, महाराष्ट्र कल नराणे जी फड़िया, किसी टाइम वह ठाकरे जी के गीत गाया करता से उही बंदा, सिद्धू साहब तो कहना ना भी अंदर दो तो नहीं दियो, देखो दियो, ये नहीं भी कहना नहीं दियो, कानून के दायरे में रह के दियो, जिंदा राइट बना डी जी पी सैनी दिता 2004 दिनों के बेल होगी की, तुम बेल करा के पंजाब के लोगों को होर उत्साहित करना चाहते हो? असी पंजाब अगली सरकार बनानी चाहते हैं। पर लगता कि जब जब भी रौला पिया, चाहे हरचरण बराड़ दी सी, मैडम भट्टल बने, वो तो बाद भी रौला पिया, तो सरकार तो कदे रिपीट हो ही नहीं है, क्यों? देख लियो तुसी, अज ये टिक जान, जिस तरह पिछले हफ्ते सिद्धू साहब ते अज देहरादून चले गए ने, फिर दिल्ली भी कोई नहीं, देहरादून दिल्ली कोई फर्क नहीं, वो दिल्ली वाले भी इतने आ जाएंगे, देहरादून वाले भी इतने आ जाएंगे, कोई एड्डी गल नहीं। हरीश रावत जी इंचार्ज ने, उन्होंने राइट आ, वो सुनन
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਸੀਸਮਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੂਗਾ ਬਣੂਗਾ ਸਮਾਂ ਕਰਵਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ